तो चलिए गाइज, अब देखते हैं कि पुणे के कौन से बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। तो नंबर वन पे है गाइज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमस भी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हो सकता है, और गवर्नमेंट होने की वजह से जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम है, बट इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। इस कॉलेज का प्रीवियस ईयर CS का जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है वो 95 तक गया था फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड में थोड़ा बहुत जो है वो कम हुआ था, और बाकी जो कास्ट होती है उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम है, बट 90 के ऊपर CS का आपको जो कट ऑफ है वो इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और वन ऑफ द टॉप कॉलेज है गाइस पुणे में, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अवसरी कुरुट, ये भी गाइस एक गवर्नमेंट कॉलेज है बट ऑटोनॉमस नहीं है। गवर्नमेंट के फायदे आपको काफ़ी मिलेंगे, साथ ही में इसका भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। पिछले साल CS का जो कट ऑफ है वो 93 गया था, जो कि काफ़ी हाई हम बोल सकते हैं, और बाकी कैटेगरी का भी जो कट ऑफ है वो आपको 90 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो कॉलेजेस ग्रीन से हाईलाइटेड है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, और बाकी सारे जो कॉलेजेस है वो नॉन ऑटोनॉमस है। फिर नेक्स्ट है ये कुसरो वाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड नंबर पे आता है ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, और इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी आ जाता है। 90 के आसपास हमें CS का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखने को मिला था, बाकी कैटेगरीज का भी जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा है, और अगर आप बाकी ब्रांचेस का भी देखोगे उनका भी जो कट ऑफ है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। फिर और एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, यह है राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा वड़ी पुणे, एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, और इस कॉलेज का कट ऑफ CS का हमें देखने को मिला था 88.80 के आसपास, और इस साल भी इसके आसपास ही हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बस कॉलेजेस के नाम और CS का जो कट ऑफ है वो बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में इन सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो कैसे आप ले सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको आ जाना है DTE के इस वेबसाइट पे, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सर्च इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा, यहाँ पे बस आपको टाइप करना है इस कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोड, जो कि मैंने यहाँ पे सारे जो इंस्टीट्यूट कोड है जो कि नंबर में आपको देखने को मिल रहे हो देखने को मिल जाएंगे, वो इंस्टीट्यूट कोड बस वहाँ पे डालना है, आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे का है 6013, तो यहाँ पर मैं ये कोड डालता हूँ 6013, और इस कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरी इस कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे हॉस्टल है या नहीं है, कितनी ब्रांचेस है, इंटेक कितना है, ऑटोनॉमी स्टेटस क्या है, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन वगैरह वो कहाँ पे, और भी बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस आपको जो इंस्टीट्यूट कोड है वो आपको डालना है, और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है कॉलेज से रिलेटेड वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे, यह है पिंपरी चिंचवड़ एजुकेशन ट्रस्ट पिंपरी चिंचवड़ पॉलिटेक्निक पुणे, ये भी एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है, और यहाँ पे भी CS का जो ओपन कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो हमें काफ़ी हाई देखने को मिला था, इस बार भी इसके आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। जैसे ही मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो आपको जो कट ऑफ्स है वो तो देखने को मिलेंगे, बट ये ओपन के कट ऑफ्स है, फिर बाकी कैटेगरीज के जो कट ऑफ है उसमें आपको फिर जो है वो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कैटेगरी जैसे OBC SC से बिलोंग करते हो तो आप डिटेल में जो कट ऑफ्स है वो ज़रूर से लेना, ताकि आपको डिटेल में पता चले कि कितने परसेंटाइल तक जो कट ऑफ है वो जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो कट ऑफ है वो जनरल ओपन कैटेगरी के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, यह है शिवाजी नगर विद्या प्रकाशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मालेगांव, इसका जो कट ऑफ है आप देख सकते हो 87 के आसपास गया था CS का फर्स्ट राउंड में, ये भी कॉलेज एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी पॉलिटेक्निक पुणे, ये भी एक बढ़िया कॉलेज माना जाता है। 86 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिला था, बट सेकेंड राउंड में आपको जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का आप डिटेल में चेक कर सकते हो। कट ऑफ की लिस्ट अगर आपको पूरी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। फिर नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन MIT पॉलिटेक्निक पुणे, इसका भी कट ऑफ 84 के आसपास हमें देखने को मिला था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में और भी कम होता है, साथ ही में बाकी कैटेगरी का जो कट ऑफ है और भी कम जाता है, तो यहाँ पे आपको इजीली जो एडमिशन है वो मिल सकता है। फिर नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे DY पाटिल प्रतिष्ठान यशवंतराव भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक पुणे, ये भी कॉलेज एक बढ़िया कॉलेज है, आप देख सकते हो कट ऑफ आसपास 84 के आसपास जाता है, 80 के आसपास आपको बाकी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। फिर है यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज विद्यानगरी इंदिरापुर, फिर झील इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी और मराठवाड़ा मित्र मंडल पॉलिटेक्निक, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये भी अच्छे हैं। अगर आपको CS ही चाहिए और अगर आपको टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं
टॉप 3 या 4 नहीं मिल रहे, तो आप नीचे के इन सारे कॉलेजेस के बारे में जो है वो सोच सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन्स के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पे जो नीचे नीचे कट ऑफ है वो और भी जो है वो कम होता है। ठीक है, पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 39 कॉलेजेस के आसपास कॉलेजेस है। एक और कॉलेज है जो कि ऑटोनॉमस है, जिसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बट इस कॉलेज में आपको सीएस ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको टूरिज्म की ब्रांच मिलेगी, तो अगर आपको टूरिज्म करना है वो भी ऑटोनॉमस कॉलेज से, तो ये कॉलेज जो है वो आप देख सकते हो। डिटेल में पूरी ये जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, कैसे ले सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लिस्ट है वो मैंने लिंक ट्री पर अपलोड कर दिया, आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये जो लिंक ट्री है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये एक ऑप्शन है बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन पुणे, इस पर क्लिक कर लेना और ये पूरी जो लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बाकी सारे जो कॉलेजेस है वो आप देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस है, और अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो DTE के वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट कोड डाल देना, तो वहाँ से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।